हेलो एवरीवन, वेलकम टू झारखंड पाठशाला। तो आज हम लोग एक विशेष टॉपिक पे बात करेंगे। और वीडियो को चालू करने से पहले मैं बता देता हूँ कि ये वीडियो किन लोगों के लिए है। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक रहेगा, आज हम हिस्ट्री कोर 8 का एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वो है बाबर की जीवनी और उपलब्धियाँ। और ये सभी के लिए नहीं होगा, ये होगा हिस्ट्री ऑनर्स के जो कोर पेपर रखे हुए हैं, सेमेस्टर 4 के विद्यार्थी होंगे। और 2023 में जो आरएस मोड़ कॉलेज का नाम भी मैं बता दे रहा हूँ, आरएस मोड़ कॉलेज गोविंदपुर के जो विद्यार्थी हैं उन्हें इंटरनल क्वेश्चन को जो है सबमिट करना है 2023 में। अभी एग्ज़ाम चल रही है, एग्ज़ाम के बाद में, तो उसी के लिए ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, जिसे अगर आपको लिखने में अगर टाइम अगर वेस्ट हो रहा हो या फिर आप लिखने में कोई कठिनाई हो रही हो, तो मैं यहाँ पे एक सटीक सा आंसर आपको देने वाला हूँ। ये आंसर आपको एग्ज़ाम जो आपको जो इंटरनल जो पेज जमा करनी है उसमें 600 वर्ड में आपको सॉल्व करना। मैंने लगभग इसे 700 या 750 वर्ड में इसे सॉल्व किया। तो कुछ अगर आप लाइन छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, नहीं तो मैं इसे स्पेशली जो है इंटरनल एग्ज़ाम को ध्यान में रख करके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको दे रहा हूँ। जस्ट पेज निकालिए, नोट कीजिए और कॉलेज में जाकर के जमा कीजिए, आपके काम आसान हो, इसीलिए इस काम को मैंने किया है। तो चलिए मैं आपको ज़रा सा बता दूं कि इसे आप कहाँ से लिखेंगे और क्या क्या इस विषय में लिखेंगे। क्वेश्चन तो आपको बता चुका हूँ कि बाबर की जीवनी एवं उपलब्धियों का जो है वो वर्णन करना है, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी मैं एक के बाद एक जो है अपलोड कर दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि बाबर की जीवन का जो परिचय है और उसकी उपलब्धि जो है उसके बारे में हमें वर्णन करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का समाधान हम कैसे करेंगे, तो यहाँ से सबसे पहले हम उसके जीवनी को लिखेंगे, ठीक है। बाबर के जीवन, एक छोटा सा जीवन परिचय देंगे। जीवन परिचय में ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है, आप इसे कहाँ से लिखेंगे मैं बता दूंगा। देखिए, महत्वपूर्ण व्यक्ति थे वो, ठीक है, या महत्वपूर्ण शासक थे भारतीय इतिहास में, जिनका जन्म 14 फरवरी 1483 में फरगना नामक स्थल पर हुआ था। ये वर्तमान में उज्बेकिस्तान में पड़ता है। उनके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा और माता का नाम कुतलुक निगार खानम था, ठीक है, कुतलुक निगार खानम। तो ये हो गया इसका छोटा जानकारी। आगे और भी कुछ जानकारी है, और उसका जन्म उनके विपरीत समय में हुआ था। विपरीत समय का मतलब यही होता है कि जिस समय वो जन्म लिए उसके समक्ष बहुत सारी कठिनाइयाँ थी, ठीक है। उन्हें अपने जीवन के दौरान कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। उनका पिता, ठीक है, उमर शेख मिर्जा काफ़ी समय तक सम्राट नहीं बन पाए थे। उन्हें अपने राज्य फरगना को छोड़ करके भागना पड़ा था। बाबर ने छोटे उम्र में ही अपने पिता के मृत्यु का सामना किया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसका जो बचपन था वो संघर्ष भरा रहा है। तो ये सब तो छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको लिखना है एग्ज़ाम पर, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं कि 1504 में बाबर ने काबुल पर विजय प्राप्त किया था। वे भारत आए दिल्ली सल्तनत के साम्राज्य के खिलाफ युद्ध लड़े। 1526 में पानीपत की प्रथम युद्ध में लड़ाई की उन्होंने, और इब्राहिम लोदी को हरा करके दिल्ली सल्तनत का शासक बना, ठीक है, यानी दिल्ली सल्तनत का शासक बना और साथ ही साथ मुगल साम्राज्य का नींव भी रखा, ठीक है। बाबर ने भारतीय इतिहास में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। उसके शासनकाल के दौरान वे भारत में विभिन्न क्षेत्रों को जीतकर अपने साम्राज्य का विस्तार करते रहे। उन्होंने अपने शासकीय शौर्य, विदेशी सैन्य तकनीकी और राजनीतिक दायरे के लिए मशहूर थे, ठीक है। 26 दिसंबर 1530 में उनकी मृत्यु हुई। उनके बाद उनका जो पोता था अकबर, जो कि साम्राज्य का काफ़ी ज़्यादा विस्तार किया, और अकबर बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई, आप लोगों को पता ही है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पर दे दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग जो नेक्स्ट जो पॉइंट इसका डिस्क्राइब करेंगे वो होगा कि अकबर की उपलब्धियाँ में हम लोग ध्यान रखेंगे कि कहाँ कहाँ पर उन्होंने विजय अभियान चलाया था, युद्ध किया था, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हम यहाँ पर लिखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ, बाकी आप लोग इसे एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन भी ज़रूर किए होंगे, तो कोई बड़ा समस्या नहीं है इसको लिखना। बाबर के युद्ध अभियान और उपलब्धियाँ, ठीक है। तो बाबर युद्ध अभियान के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण अंशों में से एक था। उससे उन्होंने अपने सपने को साकार किया और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। बाबर के युद्ध अभियान का सबसे प्रमुख उद्देश्य था दिल्ली सल्तनत के सुल्तान को हरा करके भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करना, ठीक है। इसके अलावा भी यहाँ पे कुछ अभियान का हम लोग यहाँ पे वर्णन करने जा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहला अभियान हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं बाबर का समरकंद अभियान, ठीक है। बाबर का जो समरकंद अभियान है, ठीक है, ये 1497 में, ठीक है, समरकंद पर आक्रमण किया गया था। तो ये समरकंद अभियान क्या था, बाबर ने
1497 में जो था वो समरकंद पर आक्रमण किया था और उसे जीत लिया, लेकिन इस जीत से उसे ज़्यादा लाभ नहीं हुआ, क्योंकि कोई भी शासक जो होता है किसी क्षेत्र में जब हमला करता है तो वहाँ के जितने भी खजाना होता है उसे लूट लेता है, ठीक है, अपने क्षेत्र के लिए रसद यानी खान पान का जो सामान होता है उसे लूटता है, ठीक है, तो इस तरह के कुछ मतलब सामान और साधन जो उसे प्राप्त होता है। बट यहाँ पर हमला करना इसका एक बहुत बड़ा भूल निकला, क्योंकि यहाँ पे ना तो पैसे मिले, ना तो रसद मिले और ना ही लूट का सामान मिला, जिसके कारण से उसे क्या हुआ, समरकंद को जल्द ही छोड़ना पड़ा। लेकिन यहाँ पे हमला जिस समय बाबर ने किया था उस समय एक ट्रेजेडी इसके साथ और हो गया कि बाबर के गैर मौजूदगी में, ठीक है, उसके सौतेले भाई जहांगीर मिर्जा ने फरगना में अपना कब्जा कर लिया था, ठीक है, फरगना जहाँ का बाबर जो शासक था तो उस क्षेत्र को उसके ही चचेरे सौतेले भाई ने उसे कब्जा कर लिया था, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग क्या देखते हैं कि बाबर का जो था समरकंद तो हाथ से गया, साथ ही साथ उसका अपना क्षेत्र यानी फरगना दोनों भी हाथ से चला गया। लेकिन ऐसा नहीं था कि ये बाबर चुप बैठने वाला था, ठीक है, 1501 में बाबर ने, ठीक है, समरकंद को दूसरी बार क्या किया, जीत लिया। तो ये था इनका बाबर का, ठीक है, समरकंद अभियान। याद रखिएगा समरकंद अभियान जो है ये भारत में नहीं था, ठीक है, ठीक। बाबर जो था काबुल विजय, उसके बाद जो है समरकंद पे आक्रमण करने के बाद, ठीक है, 1504 में बाबर ने काबुल में, ठीक है, और गजनी पर आक्रमण किया, यहाँ पे उन्होंने जीत हासिल की और इस प्रकार, ठीक है, काबुल पर विजय प्राप्त करने के बाद, ठीक है, यहाँ पर उसने क्या किया तो अपना शासन स्थापित कर लिया काबुल और गजनी दोनों में, ठीक है। उसके बाद क्या था कि यहाँ पे ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ यानी हितकर साबित हुआ बाबर के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ से वो खुरासान और भारत दोनों पर अपनी नज़र जो था रख सकता था, तो ये काफ़ी ज़्यादा जो था ये हुआ, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं भारत बाबर का भारत में अभियान। ऐसे तो सारा का सारा अभियान ही है, लेकिन अभी जो ऊपर में हम लोग दो पढ़े समरकंद और काबुल विजय, ये भारत अभियान में नहीं था, बाबर का अभियान है, बट भारत का अभियान हम लोग अलग से यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 1519 में बाबर ने अपना आक्रमण, ठीक है, बाजोर पर किया और बाजोर एवं, ठीक है, भीरा को जीत लिया। यह भारत विजय के लिए किया गया पहला आक्रमण था बाबर का। इसी युद्ध में बाबर ने बारूद एवं तोपखाने का प्रयोग किया था, ठीक है, पहली बार जो था बाबर ने इसी युद्ध में बारूद और तोपखाने का प्रयोग किया था। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैंने यहाँ पे लगा दिया। फिलहाल अभी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट की जरूरत नहीं कि एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाला, सिर्फ आपको लिखना है और कॉपी को जमा करना है कॉलेज में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैंने पानीपत का प्रथम युद्ध के बारे में यहाँ पे दे दिया कि पानीपत का युद्ध में उसने, ठीक है, 21 अप्रैल 1526 में लड़ा था, ठीक है, उसने इब्राहिम लोदी को हरा करके दिल्ली सल्तनत में अपनी शासन स्थापित किया था, ठीक है। इस लड़ाई में उसने बारूद, अग्निअस्त्र, ठीक है, मैदानी तोपखाना ये सब वगैरह का उसने प्रयोग किया था, ठीक। उसी प्रकार एक युद्ध है यहाँ पे खानवा का युद्ध जो कि 1527 में किया 26 के बाद, ठीक है, बाबर का दूसरा महत्वपूर्ण युद्ध था ये 16 मार्च 1527 को आगरा से, ठीक है, 35 किलोमीटर दूर खानवा गांव में बाबर ने एक मेवाड़ के, ठीक है, राणा सांगा के मध्य लड़ा गया एक ये युद्ध था, ठीक है। बाबर के सैन्य और अपनी तकनीकी कुशलता के कारण इस युद्ध में विजय रहे, यह विजय उन्हें राजपूतों के साथ उनके समझौते के लिए मददगार साबित हुआ। तो एक ये वाला आपको लिख देना है पॉइंट में। उसके बाद एक चंदेरी का युद्ध है, ठीक है, जो कि 29 जनवरी 1528 में, ठीक है, मुगलों और तथा राजपूतों के मध्य लड़ा गया था, ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट युद्ध था। उसके बाद आपका घाघरा का युद्ध है जो कि 1529 में हुआ था, ये अंतिम युद्ध बाबर का सफल युद्ध अंतिम युद्ध माना जाता है, ठीक है। तो ये कुछ था और लास्ट में एक छोटा सा बाबर की उपलब्धि उनके शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना को दर्शाती है। भारतीय इतिहास में, ठीक है, महान राजा के रूप में उन्हें याद किया जाता है, ठीक है, उनके साहस, युद्ध कौशल, राजनीतिक बुद्धि, ठीक है, ये सब कुछ थे जो कि उन्हें एक विशेष राजा का मतलब राजा बनाता है। तो ये सब थे, ठीक है, बाबर के कुछ सफल अभियान और उनके जीवन के बारे में परिचय, जो कि 600 वर्ड से प्लस है। आप इसे कॉपी में लिख करके जो है आप अपने इंटरनल एग्जाम के लिए जमा कर सकते हैं, ठीक है। और कहाँ से आप इसे लिखेंगे वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है। और ऐसे अगर आपको वेबसाइट का लिंक जानना है तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको जाना है www.jpathshala.com, ठीक है, jpathshala.com। तो ये मेरा वेबसाइट है, यहाँ पे जा करके जो है ये सब नोट्स वगैरह आप यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।